आज के इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूं ड्रीम इलेवन ऐप के बारे में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे ड्रीम इलेवन ऐप से अपने पैसे को किस प्रकार से अपने बैंक में गाइस यहां पे विड्रॉ करेंगे। अगर आपने जितने पैसे अभी तक में आपने जीते हैं उन सभी पैसों को आप किस प्रकार से बैंक में विड्रॉ करेंगे, आप गाइस यहां पे कैसे चेक कर पाएंगे कि अभी तक आपने यहां पे ड्रीम इलेवन में जो आपने टीम को लगाया है उससे अब तक आपने गाइस यहां पे कितना रुपए आपने जीते हैं और आप जो गाइस यहां पे जीते हुए पैसे को कैसे बैंक में अपने विड्रॉ करेंगे। अभी मैं आपको उसी को मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पैसे को बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहां पे आएंगे, मैंने गाइस यहां पे एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। सबसे गाइस यहां पे आपको दिखेगा गाइस यहां पे प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माई बैलेंस में आएंगे तो आपके पास गाइस यहाँ पे टोटल जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे अब आपको देखना कि कौन से मैच में आपने यहाँ पे कितने रुपए आपने जीते हैं तो उसके लिए गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है माई मैच का। सिंपल माई मैच में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा गाइस यहाँ पे कंप्लीट का, सिंपल कंप्लीट के ऑप्शन में आएंगे। जो भी मैच में गाइस आपने यहाँ पे जितने रुपए जीते होंगे यहाँ पे दिखेगा। मैंने गाइस यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पे पंजाब के बीच में मैंने जीते 118 रुपए। एक मैच में गाइस मैंने यहाँ पे जीते गाइस मैंने जीते 70 रुपए, फिर मैंने जीते हैं यहाँ पे 59 रुपए, फिर मैंने यहाँ पे 59 रुपए। तो इस प्रकार से गाइस मैंने यहाँ पे पैसे को विन करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं जो गाइस यहाँ पे जीते हुए पैसे को मुझे अपने बैंक में लेना है तो मैं कैसे लूँगा, तो उसके लिए सिंपल गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइस यहाँ पे आपका प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा माई बैलेंस पे आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे विड्रॉवल इंस्टेंटली का। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको पैसे विड्रॉ करने से पहले अपना KYC करना होगा, यानी आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, अपना पैन कार्ड और अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे तब जाकर गाइस आपके सामने यहाँ पे विड्रॉवल इंस्टेंटली वाला ऑप्शन आएगा। और सिंपल गाइस यहाँ पे आपको जाना गाइस यहाँ पे आपको विड्रॉ के ऑप्शन में जाएंगे। अब गाइस आप लोगों का कुछ लोगों का गाइस सवाल होता है कि सर यहाँ पे विड्रॉ करने पर यहाँ पे कितना TDS लगता है और पैसे विड्रॉ करने के बाद कितना टाइम लगता है मेरे बैंक अकाउंट में आने में। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूँगी गाइस यहाँ पे अपना अमाउंट को डाल लेंगे जितने रुपये भी आपको विड्रॉ करना है। तो मैंने गाइस यहाँ पे जो है अपना मैंने गाइस यहाँ पे 200 रुपये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका 30% का TDS लगता है, यानी गाइस आप 100 रुपये विड्रॉ करेंगे तो उसमें से गाइस आपका जो है 30 रुपये गाइस यहाँ पे TDS पे करना होगा और यहाँ पे 70 रुपये जो है आपको रिसीव होगा। और यहाँ पे देखेंगे मेरा जो गाइस यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 200 रुपये एंटर किया, मैंने यहाँ पे 200 रुपये विड्रॉ करूँगा, आपका मन गाइस यहाँ पे जितना भी हो उतना रुपये गाइस यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके गाइस यहाँ पे सिंपल नीचे में यहाँ पे विड्रॉ नाउ का ऑप्शन देखेंगे तो गाइस मैंने यहाँ पे ये 200 रुपये मैं कर रहा हूँ विड्रॉ और मेरा जो यहाँ पे जो है 49 रुपये 91 पैसे मेरा यहाँ पे टैक्स लग रहा है और मुझे जो है 150 रुपये 9 पैसे मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव होंगे। तो सिंपल गाइस यहाँ पे आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन में एंटर करना है। जैसे गाइस यहाँ पे कन्फर्म करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे विड्रॉवल अमाउंट और यहाँ पे हो चुका डन। लेकिन गाइस यहाँ पे देखेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको गाइस यहाँ पे टाइमिंग गाइस यहाँ पे देखने को मिलेगी गाइस यहाँ पे 5 मिनट के अंदर जो है आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। यानी अभी जो आप मैंने जो पैसे दिया गाइस यहाँ विड्रॉ तो ये जो पैसा है बस 5 मिनट के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। और इसमें गाइस यहाँ पे सच में इससे गाइस आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो 5 मिनट में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। तो गाइस मैंने अभी आपको तरीके यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया कि किस प्रकार से आप अपने पैसे को बैंक में विड्रॉ करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो के भी समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।